शब्द है जो हमें कभी कभी या कहो कई बार सुनाई देता है। स्वार, वो व्यक्ति स्वार्थी है, उसने स्वार्थ में आके ये बुरा कर्म कर दिया आदि इत्यादि। देखा जाए तो संसार स्वार्थ को पाप का मूल मानने लगा, परंतु क्या स्वार्थ सच में बुरा है? नहीं, स्वार्थ ये शब्द बना है स्व से, अर्थात स्वयं से, यानी कि जिस कार्य में केवल स्वयं का अर्थ हो, केवल स्वयं का लाभ चाप हो, वो स्वार्थ। अब प्रश्न ये उठता है कि आपका स्व क्या है? यदि आपके स्व में केवल आप हैं तो आप अवश्य स्वार्थी हैं। यदि आपके स्व में परिवार सम्मिलित है तो आप परिवारार्थी हैं। यदि आपके स्व में अन्य लोग सम्मिलित हैं तो आप परोपकारार्थी हैं। और यदि आपके स्व में ये संसार सम्मिलित है तो आप परमार्थी। तो अपने स्वार्थ से दूर ना जाएं, उसका विस्तार करें। अपने अस्तित्व का विस्तार करोगे तो ये स्वार्थ स्वयं ही परमार्थ में बदल जाएगा। राधे राधे। मैंने आपसे कहा था कि संसार का सबसे बड़ा शस्त्र और सबसे बड़ा संबल है मित्रता, किंतु ये मित्रता कैसी होनी चाहिए? मित्रता होनी चाहिए दूध में मिले जल की भांति। कैसे? दूध में जब जल को मिलाया जाता है तब वो जल स्वयं दूध बन जाता है। तो सोचिए, दूध की मित्रता से जल का अस्तित्व कितना बढ़ गया। किंतु ये कथा यही समाप्त नहीं होती। जब दूध को गर्म किया जाता है तब जल अपनी मित्रता निभाता है। जल स्वयं पहले इसका ताप लेता है, स्वयं के अस्तित्व को भाप बनाकर जला देता है और दूध को बचा लेता है। फिर उसके पश्चात अपने मित्र के जाने से दूध में उबाल आता है, वो पात्र से निकलकर बहने लगता है और वो शांत केवल तभी होता है जब उसमें थोड़ा जल मिला दिया जाता है। अर्थात मित्रता वो जो मित्र के अस्तित्व का विस्तार कर दे, मित्रता वो जो मित्र के लिए स्वयं के अस्तित्व को जला दे, मित्रता वो जिसमें सुख और दुख दोनों मित्र से जुड़ा हो। तो ऐसे मित्र बनाओ जिसके समक्ष कुबेर का कोष भी फीका पड़ जाए। राधे राधे। भूल और मनुष्य, इन दोनों का संबंध कुछ वैसा है जैसा पंख और चिड़िया का, जैसा धारा और नदिया का। यदि भूल मनुष्य के स्वभाव का इतना महत्वपूर्ण अंग है तो आप सोचिए इस पर लज्जा क्यों? इस पर लज्जा करना ठीक है ही नहीं। वैसे देखा जाए तो भूल हमें स्वयं को और श्रेष्ठ बनाने का अवसर देती है, पहले से अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा देती। अब कदाचित आप में से कुछ इस बात से सहमत नहीं हो, क्योंकि बहुतों की दृष्टि में भूल दोष को जन्म देती, दोष अपराध को, और अपराध के लिए क्षमा नहीं दंड मिलना चाहिए। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है इसका? इसका कारण है भूल स्वीकार करने से बचना। यदि आप कोई भूल करोगे और उसे स्वीकारोगे नहीं तो वो भूल दोष में बदल जाएगी और वो दोष अपराध। तो साहस रखिए, अपनी भूल को स्वीकार करना अपनी भूल को सुधारने की दिशा में सबसे पहला कदम होता है। और स्मरण रखिएगा, यदि कुछ अपराध है तो वो है समय पे अपनी भूल ना स्वीकार। व्यक्ति किसी और वस्तु या भाव से परिचित हो ना हो, है और भविष्य दोनों ही व्यक्ति के मन में सदैव रहते हैं। जिनका अस्तित्व व्यक्ति के अस्तित्व पे भारी रहता है। विचित्र है ना? वह वो है जिसे आप नहीं जानते, जो अनजान है, और इसी कारण आपको भय लगता है कि ना जाने क्या होगा। भविष्य वो है जो अब तक घटा ही नहीं।
तो जो घटा ही नहीं उसके विषय में चिंता क्यों? आपके हाथ में है वर्तमान, वर्तमान के कर्म सत्य मन से कीजिए और सोचिए ये कि अपने कर्मों को और कितनी श्रेष्ठता से किया जा सकता है। इसलिए आप विश्वास कीजिए, यदि वर्तमान के कर्मों को आप सत्य मन से करोगे तो भय स्वयं ही निकल जाए और भविष्य का फल अवश्य ही मीठा होगा। इसलिए भय और भविष्य से डरना छोड़ दीजिए, इस वर्तमान को जी। राधेरा, कितना सुंदर पुस्तक है ना, सुंदर आवरण है, सजाए हुए पृष्ठ। किंतु क्या ये सत्य में अद्भुत पुस्तक कहलाने की पात्र है? क्या इसमें जो लिखा है वो सत्य है, प्रेरणादायी है, हमारे लिए मूल्यवान है? कैसे निश्चय लिया जाए इस बात का? अब आप सोचेंगे कि सीधी सी बात है, आवरण को देख के पुस्तक की गुणवत्ता कैसे जानी जा सकती है? इसके लिए तो आपको उसे पढ़ना होगा, उसे समझना होगा, समय देना होगा, है ना? बिल्कुल उचित सोच रहे हैं आप। बस आश्चर्य की बात यह है कि पुस्तक के विषय में आप ये सारी बातें जानते हैं, किंतु किसी व्यक्ति के विषय में आप ये सारी बातें मन में नहीं लाते। व्यक्ति का मूल्यांकन भी उसके वस्त्रों से, उसके शारीरिक रूप से या उसकी सुंदरता से नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको उस व्यक्ति को पढ़ना होगा, उसे समझना होगा, उसे समय देना होगा। पर हम क्या करते हैं? पहनावे, रंग, सुंदरता को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, उसे प्रेम समझ बैठते हैं। और आए दिन कोई ना कोई ये कहते सुनाई देता है कि उसकी प्रेम कहानी सफल नहीं हो पाई, उसे छल मिला। किंतु इसमें दोष किसी और का नहीं, स्वयं आपका। आपने उस व्यक्ति को समय नहीं दिया, आपने उस व्यक्ति के विचार नहीं परखे। प्रेम दो क्षण में बनने वाला पकवान नहीं है, इसका स्वाद चखने के लिए आपको जीवन भर का समय देना पड़ेगा। तो समय दीजिए, एक दूसरे के रूप से नहीं, आत्मा से जुड़ी। निश्चित ही मन प्रसन्नता से कह उठेगा, राधे राधे।